नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपकी दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। हिंदी खबर ने राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की है, सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। दिल्ली में प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। अगर हम बात एक हफ्ते की करें तो दो बार सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कल उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी दिल्ली आ चुकी हैं और आज प्रेमचंद बैरवा भी दिल्ली में आए। सर, ये लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। राजस्थान से खासा समर्थन जो है वो दिल्ली में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए देखा जा रहा है। किस तरह से जीत को आश्वस्त करते हैं? देखिए, राजस्थान के लोग दिल्ली में हमारे बहुत सारे रहते हैं और निश्चित रूप से दिल्ली वालों सा हमारा राजस्थान वालों का जुड़ाव है, तो इसलिए हम हमारे लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सपना है, जो उनका विजन लेके चल रहे हैं विकसित भारत का, निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी पे सबको भरोसा है। आम भारत के हिंदुस्तान के लोगों को कि माननीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना साकार करेंगे तो उनके नेतृत्व में होगा। इसलिए हम सब लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम ज्यादा से ज्यादा मतों से हमारे प्रत्याशी को जिताएं और हम 400 पार हमारे इस हिंदुस्तान में हमारी सीटें हो, ताकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना और जो विजन है वो साकार हो। सर, राजस्थान में पहले दो चरणों में चुनाव हो गया 25 लोकसभा सीटों पर। सर, अगर हम बात बाड़मेर सीट की करें तो क्या लगता है आपको कि रविन्द्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं सेंधमारी कर सकते हैं वोटों में? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल या कोई पार्टियां अगर जाति विशेष को लेकर अगर चुनाव में आते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित के लिए नहीं है। इसलिए हमारे बाड़मेर की सीट हम जीतेंगे। निश्चित रूप से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति पे भरोसा है। जिस तरह से राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में भी लोग अन्य पार्टियों से हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो एक विजन हमारा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जो सपना है उसको साकार करने का और राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हमारे इस हिंदुस्तान का उत्थान होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली थी, आज के 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है कि हमारे हिंदुस्तान का नाम विश्व में रोशन किया है। और उनका जो विजन रहा है कि ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं इन 10 साल में जो हमारी पीढ़ियां जिनका इंतजार कर रही थी, इस तरह से हमारे सभी लोगों का मानना है इनके कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार में कोई भी मंत्री नहीं आया और एक स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ समाज सेवा के रूप में ये अपना जीवन को लगा रहे हैं। निश्चित रूप से तो हम मानते हैं कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में और पूरे राजस्थान में हम सब मिलके और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना, जो हमारे रोडवेज का भी ढर्रा खराब किया, शिक्षा नीति का भी उन्होंने बिल्कुल 5 साल में काम डंप किया, लेकिन मैं समीक्षाएं करके हर डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में और रोडवेज में और अलग बेहतर किस तरह से हो इसकी समीक्षा करते हुए निश्चित रूप से अच्छे कदम उठा के राजस्थान की जनता को राहत दिलाने का। देखो, मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि एक आने वाले हमारे देश के गौरव हैं और वो एक संस्कारमय और संस्कृति के हिसाब से आगे शिक्षा को बढ़ाएं और हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान और उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके अनुसरण और उनके जो काम किए हुए हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ने का हमेशा आगे रहें और हमारी सोच एक राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण की रहनी चाहिए। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करते हुए प्रेमचंद बैरवा ने यह साफ कर दिया कि युवा जो है वो राष्ट्र हित के लिए सोचे। तो वहीं अगर बात करें प्रचार प्रसार का, जो कि इस वक्त दिल्ली में चल रहा है क्योंकि अब से कुछ ही दिन में दिल्ली में मतदान होने वाला है, तो उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के कमर कस चुके हैं और हर हाल में बीजेपी को 400 पार पहुंचाने वाले हैं। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर दिल्ली।